है इसका उपयोग? हिंदी वर्ड के अक्षर पास या को या रखना के साथ करते हैं। जैसे कि पास, जैसे कि मेरे पास एक किताब है। उसके पास एक गाय है। बढ़िया पास तरीके से, हाँ बढ़िया। पास के बाद आता है को, जैसे कि उसको एक घर है। मुझको एक किताब है। फिर रखना जैसे कि मैं एक किताब रखता हूँ। तुम एक लाल कलम रखते हो। इन सभी चीजों के साथ हर यह इसका प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं इसका उपयोग कैसे करते हैं। हैव का उपयोग, जैसे कि आई वी यू दे और एक से अधिक के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और बाकी सब के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक किताब है। यहाँ हो जाएगा आई हैव अ बुक। देखिए यहाँ मेरे का आई हो गया, यहाँ आई साथ में हैव लगता है, इसलिए आई के साथ में हैव आई हैव अ बुक। एक घर है, इसका हो जाएगा उसके यहाँ हो जाएगा ही और इसके साथ में लगेगा ही हैड अ हाउस। वे लोगों के पास किताबें हैं। देखिए यहाँ वे लोग का हो जाएगा दे और यहाँ दे है इसलिए इसके साथ में लगेगा हैव। दे हैव बुक्स। यहाँ वे लोग था इसलिए यहाँ पर बहुवचन आया। दे हैव बुक्स। तुम्हारे पास एक लाल कलम है। यहाँ तुम्हारे का अंग्रेजी हो जाएगा यू, फिर यू के साथ में लगाते हैं हैव। यू हैव अ रेड पेन।
जैसे कि यहाँ पर देखते हैं है दिया है इसका प्रयोग, फिर उसके बाद आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रमेश के पास चार किताबें हैं, रमेश के पास चार किताबें हैं, यहाँ हो जाएगा रमेश हैज फोर बुक्स, यहाँ एक था इसलिए इसके साथ में लग गया है। अगर यहाँ एक से अधिक रहता इसके साथ में लगाते हैं हैव, जैसे कि रमेश और गणेश, रमेश और गणेश के पास नई किताबें हैं, यहाँ पर दो है रमेश और गणेश एक से अधिक, इसलिए इसके साथ में हम हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रमेश एंड गणेश हैव न्यू बुक्स। फिर इसका निगेटिव देखते हैं, निगेटिव इसका निगेटिव उपयोग देखते हैं कि इसका निगेटिव उपयोग कैसे किया जाता है। हैव या हैज प्लस नोट, अगर निगेटिव मतलब नहीं रहेगा तो हम हैव या हैज के बाद इसमें नोट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसके पास किताबें नहीं है, उसके पास किताबें नहीं है, यहाँ नहीं आ गया तो हम हैव या हैज के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही हैज नोट बुक्स, जैसे वे लोगों के पास गाय नहीं है, इसका हो जाएगा वे लोगों का होता है दे, दे है इसलिए इसके साथ हम लगाते हैं हैव, दे हैव नोट कॉज। अब इसका इंट्रोगेटिव का बात करते हैं। इंट्रोगेटिव अब इसका इंट्रोगेटिव पर बात करें कि इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है। जैसे क्या तुम्हारे पास एक किताब है, ये इंट्रोगेटिव वाला वाक्य है जिसमें कि हम हैव या हैज को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे कि तुम्हारे यहाँ पर यू हो जाएगा तो उसके पहले हम लिखते हैं हैव यू ए हैव यू अ बुक, क्या क्या हम लोगों को घर है। क्या आ गया तो उसमें हम है सब्जेक्ट से पहले हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ हम लोग हैं तो इसका अंग्रेजी होता है वी, तो वी के साथ हम लगाते हैं हैव, तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले हैव लगाएंगे तो जाएगा यहाँ पर हैव वी हाउस, ये होता है अभी पढ़े हम यूज ऑफ हैव या हैज, मतलब हैव या हैज के प्रयोग। बंद करो।